नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग NCERT सीरीज में हिस्ट्री क्लास 6 को डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो में अंतिम अध्याय को डिस्कस करेंगे। अंतिम अध्याय है 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है इमारतें, चित्र तथा किताबें, यानी कि प्राचीन समय के कुछ इमारतों के विषय में पढ़ेंगे। इमारत में हम लोग जो है लौह स्तंभ के कुछ जो है तथ्य को देखेंगे, उसके बाद स्तूप, बौद्ध स्तूप के विषय में जानेंगे और कुछ हिंदू मंदिरों के विषय में जानेंगे। उसके बाद चित्र में हम लोग जो है कुछ पेंटिंग्स के विषय में जानेंगे। फिर वैसे ही किताबों, महाकाव्यों के विषय में पढ़ेंगे जो प्राचीन काल में जिसकी रचना हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं। और हाँ, मैं पहले बता दूं कि जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन से आप प्लेलिस्ट का लिंक ले लीजिए और पहले की सारी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा, कल आपको एक क्वेश्चन का सेट मिलेगा जिसमें हम लोग पूरे 6th क्लास को, यानी पूरे प्राचीन भारत को रिविजन कर लेंगे MCQs के माध्यम से। ठीक है, तो कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें 50 MCQs होंगे क्लास 6th हिस्ट्री से, यानी कि प्राचीन भारत से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर के विषय में जानकारी दी जा रही है कि यह दिल्ली के मेहरौली में जहां कुतुब मीनार है उसी परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। देखिए, ये तथ्य है, बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 7 मीटर, 7.1 मीटर, 7.2 मीटर, 7.4 मीटर, तो आपको चूज करना होगा 7.2 मीटर। तो ये कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं, बस ध्यान रखने की चीज़ है। वैसे इसके वजन के विषय में बताया गया है कि इसका वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पे जो मतलब अभिलेख खुदे हुए हैं उससे हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि लगभग 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी लोहे के वस्तु को अगर बाहर रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन 1500 साल से यह जो है बाहर है, ओपन एयर में है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगा, यही इसकी विशेषता है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। इसमें हम लोग स्तूप और मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्तूप के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे ही टीला कहा जाता है आपके दिमाग में कुछ ऐसी संरचना आती होगी, मिट्टी का टीला, बालू का टीला। तो इस तरह का जो संरचना पहले प्राचीन काल में बनाया जाता था, इसे ही हम लोग स्तूप के नाम से जानते थे। बताया जा रहा है कि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, जैसे कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे। ऐसे ही ये कभी ऐसे पूरा गोल हो जाएगा तो कभी इसको लंबा कर दिया जाता था, कभी बहुत बड़ा होता था तो कभी छोटा होता था। अब इसके संरचना को थोड़ा समझते हैं कि जो स्तूप बनाया जाता था कैसा होता था। सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं स्तूप का मतलब इस प्रकार की आकृति होगी ही। बताया जा रहा है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। आप समझ लीजिए, स्तूप है तो इसके भीतर ये बेस हो गया, इसके भीतर जो है एक डिब्बा रखा होगा ऐसे। फिर इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कुछ चीज़ें या कोई कीमती पत्थर या सिक्के, इस प्रकार के मतलब आस्था वाली कुछ चीज़ें इस डिब्बा में रखा जाता था। ठीक है, जिसे धातु मंजूसा कहते थे। धातु मंजूसा किसे कहेंगे? ये जो अंदर डब्बा रखा हुआ है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसे। और फिर इसके ऊपर से इस प्रकार की आकृति को निर्मित कर दिया गया, या मिट्टी से, बाद के समय में हम देखते हैं कि ईंटों से कर दिया गया, उसके कुछ समय बाद देखते हैं पत्थर से या कीमती पत्थर से तराशा जाने लगा। तो इसे ही हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे दिया जा रहा है कि वहीं प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टिल्ला होता था, यानी कि पहले जो ये इस प्रकार की आकृति थी मिट्टी की बनाई जाती थी, बाद में जो है इसे ईंटों से ढका जाने लगा, इस पे जो है ऐसे ईंट लगा दिया जाने लगा कि मजबूत हो जाए, सुंदर हो जाए। फिर बाद के काल में क्या किया गया, इस आकृति को पत्थर से तराशा जाने लगा, मतलब इसको और सजावटी बनाया जाने लगा। इसके बाद भी इसमें और सारे उपक्रम हुए जिसे हम लोग पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना दिया गया। स्तूप होगा कैसा? होगा गोलाकार है, वृत्ताकार है। ठीक है, अब वृत्ताकार होगा तो इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया, रास्ता बना दिया गया। ठीक है, रास्ते पे लोग क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, लोग उसके जो है चारों तरफ से घूम के जाएंगे, और इस पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाने लगा। ठीक है, फिर इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया। बताया जा रहा है ये सब संरचना थोड़ा सा दिमाग में समझ लेना है कि कैसे होता था। और ये जो रेलिंग से घेर दिया गया, इसे वेदिका कहते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है, जब रेलिंग से घेर दिया गया तो वहाँ जो है द्वार भी बना दिए गए। अब यहाँ रेलिंग घिरा हुआ है, यहाँ पे एक द्वार हो गया, समझ लीजिए। इस द्वार से लोग चढ़ेंगे और प्रदक्षिणा पथ पे जाके ऐसे ऐसे स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा करेंगे, घूमेंगे।
और फिर ये जो द्वार होगा, द्वार पे एक जो है बड़ा सा द्वार बनाया जाता था और रेलिंग था, इन सबको मूर्तियों से, कलाकृतियों से सजाया जाता था। तो ये कुछ स्तूप का फॉर्मेशन हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी काल में, मतलब 1500 साल पहले की बात की जा रही है, कि कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस मंदिरों में जो है मुख्यतः विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब अगर मंदिरों के विषय में बात करें, मंदिरों के संरचना को समझें, तो बताया जाता है कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। देखिए, आज भी आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर का संरचना आपको कुछ यूँ दिखने को मिलेगा। ये ऊपर बहुत बड़ा ऊपर तक जाता है, ये देखिए आप समझ सकते हैं, मंदिर का लगभग ये संरचना मिलेगा। क्या देखेंगे यहाँ पे लगभग जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हाँ, लगभग आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिस भगवान की मूर्ति स्थापित हो, लोग यहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे। इसे ही हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही मुख्य स्थान होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, पंडित या पुरोहित जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और भक्त जाके पूजा करते हैं। ओके, चलिए इस संरचना को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी नीचे एक बात बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि अक्सर गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए मंदिरों में इसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। आज भी आप देखते होंगे मंदिरों में क्या किया जाता है, ये यहाँ पे अगर गर्भगृह है, यहाँ पर ये गेट मैं बना रहा हूँ मंदिर का, तो गर्भगृह के ऊपर बहुत ही ऊंचाई तक ऐसे शिखर की रचना की जाती है मंदिरों में, ताकि पता चले कि गर्भगृह का जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही पवित्र स्थान है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताया जा रहा है कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ये ध्यान में रखिएगा, मंडप, मंडप से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। प्राचीन काल में मंडप का अर्थ होता था कि मंदिर में ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठा होंगे, सभागार होगा, कभी कभी वहां पर राजा भी आया करते थे, नृत्य भी हुआ करता था। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है महाबलीपुरम के मंदिर का। एकास्मिक मंदिर क्या होता है, जब एक ही पत्थर को या एक ही पहाड़ को काट कर कोई पूरी मंदिर बना दी जाती है, उसे हम लोग एकास्मिक मंदिर कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महाबलीपुरम का मंदिर। तो जब भी आपसे पूछे एकास्मिक मंदिर का उदाहरण, तो आप कहेंगे महाबलीपुरम का मंदिर। ओके, चलिए अब बात आती है कि इन स्तूप और मंदिरों को किस तरह बनाया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने इसके संरचना को पढ़ा, बहुत ही खर्चीला होता था। तो जिस क्षेत्र में स्तूप या मंदिर का निर्माण होना है, या तो उस क्षेत्र के राजा या रानी निर्णय लेंगे, या फिर उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसमें से जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक समर्थ है, बलवान है, वो ऐसा निर्णय लेगा। क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होना है तो वो सारा खर्च देगा। जैसे कि अच्छा शिल्पकार चाहिए बनाने के लिए, जगह की व्यवस्था करनी होगी, अच्छे किस्म के पत्थर लाने होंगे, फिर उस पत्थर को तराश कर, काट कर जो है उससे खंभा, दीवार, ये सब बनवाना होगा। तो ये सारा खर्च राजा रानी या फिर जो समर्थ हैं उस लायक वो उठाते थे। फिर जो भक्त लोग होते थे मंदिर या स्तूप बनने के बाद, सजावटी के लिए कुछ सामान लाते थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वेदिका और तोरण जो होता था वो जो है कलाकृतियों और मूर्तियों से सजाया जाता था। तो हो सकता है कि बनने के बाद भक्त लोग वो मूर्ति या कुछ कलाकृति लाकर वहां दे, ताकि उससे सजाया जाए। फिर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उड़ीसा में पहाड़ी को खोद कर दो मंजिली इमारत के जैन मठ का निर्माण हुआ। ये बस एक तथ्य है जिसे ध्यान रखना है कि उड़ीसा में जैन मठ बना है, दो मंजिली इमारत वाली, जिसे एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। अब आगे हम लोग चित्रकला यानी कि पेंटिंग के विषय में पढ़ते हैं। पेंटिंग में हम लोग अजंता के गुफाओं में पाया जाता है कि सैकड़ों सालों के दौरान अजंता में कई सारी गुफाएं खोदी गई, जिनमें से अधिकतर जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार थे। विहार हम लोगों ने पढ़ा था पिछले अध्यायों में कि बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष क्या करते थे, घूम घूम कर शिक्षा देते थे, और जब बरसात का मौसम आया, यानी कि जब घूमना संभव नहीं था, तो उनके ठहरने के लिए बड़े बड़े लोगों ने विहार बनवाए। तो इसी विहार में जो है अजंता में गुफाएं बनवाई गई, जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। बताया जाता है कि इन अजंता के गुफाओं में कुछ भित्ति चित्र देखने को मिलती है। ठीक है, गुफाओं के अंदर जो चित्र है, गुफा में चूंकि अंधेरा होता होगा तो अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, और इसमें जिस रंग का प्रयोग किया गया है वह रंग प्राकृतिक है, यानी कि पौधों तथा खनिज के रंगों से बनाए गए हैं ये चित्र। बताया जा रहा है कि इन रंगों की चमक 1500 साल से ऐसे ही बनी हुई है। कहने का मतलब ये किस प्रकार का रंग था, कैसा प्राकृतिक रंग था कि अभी तक उसमें थोड़ी भी मतलब कमी नहीं आई है। और ये जो चित्र बने हैं, इनके कलाकार के विषय में अभी तक पता नहीं चला है कि अजंता के गुफाओं में जो भित्ति चित्र है उसे किसने बनाया, यानी कि इनके कलाकार अज्ञात हैं। अब हम लोग पुस्तकों के विषय में पढ़ते हैं, कुछ जो है प्राचीन काल में रचित महाकाव्य के विषय में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें जो है
दक्षिण भारत की, तो इस युग में कई ही प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई, ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं दी जाती थी या फिर देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं या कहानियां दी जाती थी। करीब 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य की रचना की गई, शिल्पदिकरम। आपसे पूछा जा सकता है कि शिल्पदिकरम किसकी रचना है, तो आप कहेंगे इलांगो नामक कवि की। शिल्पदिकरम तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है। इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, कैसे व्यापारी अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे रहने जाता है, वहाँ उसको जो है कुछ सजा हो जाती है, उसकी पत्नी है, ऐसी कुछ कहानी है शिल्पदिकरम में, जिसे इलांगो नामक कवि ने लिखी है। तो ये बस तथ्य है, ध्यान रखना है। वैसे ही अगला तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, इसकी रचना करीब 1400 साल पहले हुई, इसे सतनार ने लिखा, ठीक है। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई, लेखक हो गए सतनार। इसमें कोलवन और माधवी के बेटी की कहानी है, जो कोलवन यहाँ आप देख रहे थे शिल्पदिकरम में जो नायक था, उसी के मतलब कह सकते हैं कि अगली पीढ़ी की कहानी है मणिमेखलई। चलिए, ये दो तथ्य था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों ने पुराण सुना होगा, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऐसे करके। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है। पुराणों में हम लोग विष्णु, शिव, पार्वती या दुर्गा जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियों को सुनते हैं या उसमें दी जाती है। फिर पुराण में पूजा करने की विधि भी बताई जाती है। इसके अलावा पुराण में जो है संसार के सृष्टि के विषय में बताया गया है कि प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ है, जीवन मरण क्या होता है, इन सब बातों पर भी चर्चा की गई है। और प्राचीन काल के कुछ राजाओं के विषय में भी जानकारियाँ दी गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं महाभारत और रामायण की। जो महाभारत की घटना है यह बहुत ही पुरानी है, लेकिन आज हम जिसे महाभारत, जिस रूप में महाभारत को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, माना जाता है कि करीब 1500 साल पहले इसे इस रूप में लिखा गया। अब इनके लेखक की बात करें तो पुराण और महाभारत दोनों के ही लेखक के रूप में वेद व्यास ऋषि को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पुराण और महाभारत पूछे तो आप लेखक के रूप में बताएंगे वेद व्यास, ठीक है। चलिए, संस्कृत रामायण की बात पूछे तो वाल्मीकि आप जानते ही हैं, संस्कृत रामायण वाल्मीकि, पुराण और महाभारत वेद व्यास। अब ये तो बात हो गई कि प्राचीन काल में जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए या फिर जो राजा लोग हुए उनकी कहानी, कि जो है ये रामायण हो गया, महाभारत हो गया, लेकिन प्राचीन समय में जो आम लोग होते थे उनकी रचनाओं को कहाँ जगह मिली। तो यहाँ हम लोग जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाओं को देखते हैं कि आम लोगों की रचनाओं को जातक कथा और पंचतंत्र की कहानियों में सुरक्षित कर लिया गया। अब यहाँ एक फैक्ट और बताया जा रहा है कि जातक कथाओं को अक्सर जो है अस्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाया गया है। कहने का मतलब अजंता गुफा में जो चित्र बनाई गई है उसमें कुछ ऐसे चित्र हैं जिससे आम लोगों के जीवन के विषय में पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे, अब बस कुछ फैक्ट्स दिए जा रहे हैं जो ध्यान रखने की चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जो है आर्यभट्ट के विषय में पढ़ते हैं कि इसी समय प्राचीन काल में ही गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी आर्यभट्टियम। अब ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टियम, ये तो आसान है, नाम पर ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि इन्होंने इसे संस्कृत भाषा में लिखी थी, ठीक है। इसी पुस्तक में इन्होंने उस समय बताया था कि दिन और रात कैसे होता है, तो पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन और रात होता है। आप सोचिए, आज के वैज्ञानिक जो है इस चीज़ की खोज करते हैं या कहते हैं, लेकिन हमारे जो गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, वो बहुत पहले ही इस बात को कह चुके थे। अगला है शून्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अंकों के प्रयोग जो है पहले से ही होते आ रहे थे, लेकिन भारत ने क्या किया, इसी समय लगभग 1400-1500 साल पहले की बात है कि शून्य का निर्माण किया, शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया और फिर गिनती में इसका प्रयोग होने लगा। यह एक अलग पद्धति बन गई और इस पद्धति को धीरे धीरे भारत से बाहर के लोगों ने अपनाया, जैसे सबसे पहले अरब के लोगों ने अपनाया। अरब के लोग चूंकि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करते थे, तो अरब के लोग भारत आए, यहाँ से इस पद्धति को सीख कर फिर व्यापार करने के लिए जो है यूरोप में गए होंगे, और यूरोप में भी धीरे धीरे यह पद्धति फैल गई। आज पूरे विश्व में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, शून्य वाले, जीरो वाले पद्धति का, गिनती में, ठीक है। अब अंत में हम लोग कागज़ के आविष्कार के विषय में पढ़ते हैं। ये तो आप जानते हैं, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। थोड़ा सा विस्तार में यहाँ बताया गया है कि कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। किस व्यक्ति ने किया? लून ने, चीन में, ठीक है। उसने कैसे बनाया? उसने क्या किया कि पौधों के रेशों, खराब कपड़ों या पेड़ की छाल, इन सबको जमा करके
पीट पीट कर सबको लुगदी बनाया, मतलब कि लुगदी का मतलब क्या होता है, पीट पीट के जो है लुगदी बना लेगा, उसको पानी में भिगो दिया, फिर पानी से निकाल कर उसको पानी को निचोड़ा, सुखाया और फिर उसे कागज़ बनाया। इस प्रकार आज भी अगर हाथ से कागज़ बनाई जाती है घरेलू विधि से तो ऐसे ही बनता है, आजकल तो मशीन से फैक्ट्री में कागज़ का निर्माण होता है। बताया जा रहा है कि कागज़ बनाने की जो यह तकनीक थी, लगभग जो है बहुत दिनों तक इसे गुप्त रखा गया, दुनिया से छिपा कर रखा गया, लेकिन 400-500 साल बाद, करीब 1400 साल बाद यह कोरिया तक पहुंच गया। चूंकि लोग जो है चीन से कोरिया आते जाते होंगे बहुत अधिक मात्रा में, तो तकनीक छिपाना बहुत ही आसान नहीं रहा। कोरिया के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे यह जापान तक फैल गई, जापान के बाद हम देखते हैं कि यह बगदाद में पहुंची, बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। तो ये था अपना जो है 6th क्लास का अंतिम अध्याय। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपको पूरे 6th क्लास का एक टेस्ट मिल जाएगा जिसमें लगभग 50 MCQs होंगे।